हेलो बच्चों स्वागत है आपका डाउट नट लाइफ में और आज हम लोग क्लास में क्या करने वाले हैं तो मेरे जितने भी सेवन्थ क्लास के बच्चे थे जो मेरे साथ ये थ्री क्वेश्चंस वाला चैप्टर जो है वो मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं तो उनको जो है बच्चे में ऑलरेडी हम लोग को पता है कि हम लोग थ्री क्वेश्चन का जो चैप्टर है हमारी लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं है ना तो हमने जो पूरा चैप्टर था वो पढ़ लिया था और चैप्टर के जो पीछे के एंड में हमारे एनसीआर टी के क्वेश्चन थे हमने वो भी कर लिए थे तो आप पूछोगे मैम तो आज की क्लास में बचा क्या है हमको थ्री क्वेश्चन में करने के लिए कुछ तो बेटा बहुत कुछ बचा है तो मैं जो हूँ ना आज एक अलग से कॉन्सेप्ट लेकर आ रही हूँ तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले देखो दे 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 हम ये चैप्टर का ना एक फर्स्ट पूरा रिविजन मारने वाले हैं आज ठीक है क्वेश्चन के साथ बीच में हम थोड़ी ग्रामर भी करने वाले हैं और फिर एंड में हम वर्ड मीनिंग भी करने वाले हैं तो मतलब कि मैं इस चैप्टर के एंड तक ये चाहती हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर की कहानी जुबान से रटी हो गई हो आपको सब कुछ याद हो इसमें जो हुआ है और दूसरी चीज़ आपको जो ग्रामर का जो पोर्शन है वो भी क्लियर हो जाए और उसके साथ साथ आपके वर्ड मीनिंग भी आपको फटाक से एकदम रट जाने चाहिए ठीक है तो हमारा इस क्लास में एम क्या है हमारा एम ये है कि हम लोग ऑब्वियसली ट्राई करेंगे कि हम लोग इस पूरे चैप्टर को ना एक घोल कर पूरी पट्टी बना ले और उसको के के पी के पेट में आह करके बैठ जाए और सब कुछ हमको अच्छे से समझ आ जाए ठीक है चलो तो क्या करेंगे हम लोग हमारा जो थ्री क्वेश्चन का जो चैप्टर है सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग क्विज खेलेंगे है ना तो ठीक है तो हम लोग सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला क्विज खेलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे पहले तो हम जो दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं वो जवाब दे दोगे और फिर क्लास के एंड में जो दो क्वेश्चन हैं उसके जवाब दोगे और बीच में क्या करेंगे बीच में हम सब एक दूसरे के साथ सवाल जवाब खेलेंगे क्योंकि हम लोग को वर्ड मीनिंग पढ़ने हैं है ना और वो ज़्यादा नहीं है डोंट वरी ऐसे नहीं कि मैं आपको पचास तीस वर्ड्स एक क्लास में कराना चाहती हूँ नहीं 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 मुश्किल से चार पाँच छः सात आठ वर्ड्स हैं और वो काफ़ी बढ़िया वर्ड्स हैं आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हो आगे आपके पास बहुत काम आएंगे और कोई भी ऐसे वर्ड नहीं है जो बहुत मुश्किल हो ठीक है तो चलो वो तो हमारा काम बाद का है अभी हम लोग अपना क्विज खेल लेते हैं तो सब लोग रेडी हो क्विज के लिए क्वेश्चन नंबर वन ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ वॉट वॉज द नेम ऑफ द किंग्स किंगडम कि हमने इस पूरे टाइम जो मैं राजा जी राजा जी करती रहती थी और बोलती रहती थी कि राजा जी ये कह रहे हैं राजा जी कह रहे हैं कि अपने राज्य में ये भिजवाएंगे वो करवाएंगे तो ये राजा जी का नाम क्या था आखिरकार ये बताओ मेरे को राजा जी का नाम भी बता दो कमेंट्स में और क्लिक कर दो आंसर कि उनके राज्य का नाम क्या था मुझे आपसे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए आप बोलोगे मैम ये तो बताया नहीं ऐसा थोड़े है अपने आप सोचो क्या है क्या नहीं है मैं कोई हेल्प नहीं करूंगी डन है चलो आगे चलते हैं कि राजा जी का सवाल क्या था? तीन सवालों के जवाब चाहिए थे ना उनको तो इन सारे ऑप्शन में से राजा जी का सवाल कौन से वाला था कर दिया क्लिक बहुत इजी है चार ऑप्शंस हैं एक तो नन ऑफ दी अबब है तो अगर आपको लगता है इन तीनों में से कोई भी सवाल नहीं था तो नन ऑफ दी अब क्लिक कर दो ठीक है चलो तो अब क्या करना है अब हम लोगों को इनके आंसर्स चेक करने हैं ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं वापस चलते हैं हाँ तो ये रहा हमारा क्वेश्चन तो क्वेश्चन कहता है व्हाट वाज़ द नेम ऑफ द किंग्स किंगडम की जो क्वेश्चन है उस जो राजा है उनका नाम क्या था है ना राजा जी के किंगडम का नाम राजा जी के राज्य का नाम क्या था तो देखो सीधी सी बात है यहाँ पे लिखा है यहां पे लिखा है पाटलिपुत्र सी में लिखा है गया राइट और डी में लिखा है नन ऑफ द अबव तो मुझे ये बताओ हमने पूरा का पूरा लेसन पढ़ा पूरा का पूरा पाठ पढ़ा और उनमें से मैंने कहीं भी बोला कि क्या नाम है राजा जी का या फिर राजा जी किस राज्य से बिलोंग करते हैं मैंने कहीं भी बताया था ये चीज आई डोंट थिंक सो वो मैंने क्यों नहीं बताया क्योंकि कहीं बताया ही नहीं है ना लेसन में कि क्या नाम है कहाँ से बिलोंग करते हैं मैंने बोला कॉमेंट में लिख के बताओ है ना तो क्या करना है इसका आंसर क्या टिक करना है ऑप्शन चॉइस डी नन ऑफ दी अब अब ऑब्वियसली क्योंकि भैया हमको जब राजा जी का नाम भी नहीं पता सॉरी राजा जी का राज्य भी नहीं पता है तो हम क्या करेंगे है ना चलो आगे चलते हैं वट वॉज द किंग्स क्वेश्चन अब राजा जी का नाम अब सॉरी राजा जी का सवाल क्या था तो ऑप्शन ए कहता है हु शुड ही लिसन टू कि उनको किसको सुनना चाहिए बी कहता है वट ही शुड ईट उनको क्या खाना चाहिए सी कहता है हुम ही शुड मैरी उनको किससे शादी करनी चाहिए और डी कहता है इन सब में से कोई भी नहीं तो देखो मुझे ये बताओ कि पहली बात तो राजेश जी के वो तीन सवाल क्या थे तीन सवाल क्या थे सबसे पहली बात तो कि भैया जी किसी भी काम को शुरू करने का सही टाइम क्या है है ना और दूसरा क्या था दूसरा ये था कि उनको किसकी बात माननी चाहिए और तीसरा क्या था माननी चाहिए से मतलब क्या किसकी बात सुननी चाहिए और तीसरा क्या था तीसरा ये था कि उनको किसका जो काम है वो करना चाहिए मतलब कि उनको क्या काम है जो उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो उनको करना चाहिए है ना तो अब उनमें से खाने की बात कहीं पर हुई कि भैया मुझे क्या खाना है ये बात हुई कहीं नहीं हुई कहीं पर यह बात हुई कि किससे उनको शादी करनी है न तो आंसर क्या हुआ कि उनको किसको सुनना चाहिए किसकी बात उनको माननी चाहिए तो जवाब क्या हुआ ऑप्शन चोइस ए हो गया ठीक है चलो हमको ये दो जो है क्लियर हो गए हैं अब हम क्या करेंगे हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे कि आगे हमने क्या-क्या पढ़ना है है तो तो देखो सबसे पहले तो के लिए जो मेरा पहला पॉइंट वो क्या है कि सबसे पहले तो हम लोग देख लेंगे समरी तो हम लोग क्या करेंगे वापस से चलते हैं इधर और यहां पर हम लोग देखते हैं समरी तो देखो क्या होता है जो भी बच्चे आज मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं नए जुड़ रहे हैं उनको मैं क्या करूंगी फटाफट से जो कहानी है पूरी रिवाइज करा दूंगी ताकि उनको ऐसे लेफ्ट आउट फील ना हो कि सब लोगों को पता है कि क्या बोल रही है मैम क्या चल रहा है और हमको नहीं पता ठीक है तो क्या करती हूँ मैं स्टोरी बता देती हूँ आपको क्या होता है ना हमारे होते हैं एक राजा जी और वो एक सुबह उठता है और उनको लगता है कि यार मेरे को ये तीन चीजें नहीं पता है ये तीन चीजें मेरे को पता होंगी ना इन तीन सवालों के जवाब मेरे पास होंगे ना तो मैं तो एकदम नाकामयाब कभी हो ही नहीं सकता मतलब कि मैं हमेशा कामयाब ही होऊंगा मेरे पास हमेशा बढ़िया चीज होगी और मेरे सफलता मेरे को प्राप्ति होगी उसकी फिर क्या होता है भाई उनके वो तीन सवाल के लिए वो क्या करते हैं पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा देते हैं कि जो भी मेरे को ये तीन सवालों के जवाब देगा उनको मैं क्या दूंगा इनाम दूंगा माने की पैसा दूंगा भर भर के पैसा दे दूंगा तो क्या होता है बहुत सारे लोग आते हैं जवाब देने के लिए तो राजा जी का पहला सवाल क्या होता है राजा जी का पहला सवाल होता है कि भैया जी मेरे को कौन सा काम सही टाइम पर किस टाइम पर स्टार्ट करना चाहिए मतलब कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे ये काम इस समय शुरू करना है ठीक है तो इसके लिए लोग क्या कहते हैं कि टाइम टेबल बना लो कुछ लोग कहते हैं टाइम टेबल बनाओ उसको फॉलो करो कुछ लोग कहते हैं कि अरे नहीं नहीं आसपास की चीज़ें देखो फिर उसके हिसाब से करो और फिर कुछ लोग कहते हैं कि नई नई काउंसिल की सुन लो तो ये सब चीज़ें बताते हैं फिर क्या होता है फिर हमारे राजा जी दूसरा सवाल जो उनका होता है कि उनको किसकी सुननी चाहिए तो किसकी सुननी चाहिए में भी उनके पास काफ़ी अलग अलग ऑप्शन आते हैं कि आपको काउंसलर्स की सुननी चाहिए मतलब जो आपका काउंसिल में लोग हैं जो किंगडम में काफ़ी ज़्यादा दिमाग वाले लोग हैं वाइज लोग हैं उनकी सुननी चाहिए कोई कहता है नहीं 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 पुजारियों की सुननी चाहिए कोई कहता है ना सोल्जर्स की सुननी चाहिए और कोई कहता है ना किसी की भी नहीं किसकी सुननी चाहिए डॉक्टर्स की वैद्यों की सुननी चाहिए या चिकित्सकों की सुननी चाहिए चलो जी राजू जी का तीसरा सवाल क्या होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है मेरे लिए तो कुछ लोग कहते हैं कि विज्ञान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं साइंस नहीं रिलीजियस वर्शिप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिलीजियस वर्शिप क्या होता है भगवान की पूजा अर्चना तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है और कुछ लोग कहते हैं कि यार नहीं, नहीं नहीं ये सब तो ऐह ही है लड़ाई ज्यादा जरूरी है मतलब कि फाइटिंग ज्यादा जरूरी है तो राजा जी का ना दिमाग जाता है भैया भस्म हो जाता है मतलब आप एक बात बताओ आप घर पे पूछते हो कि आज क्या बनाया खाने में तो मम्मी कहती है तू बोल क्या खाएगा आप बोलते हो घर में क्या क्या ऑप्शन हैं आपकी मम्मी चालू जाती है पूरा मेन्यू देने में कि अलग पराठे हैं कट चावल है राजमा चावल है सोयाबीन है टिंडे हैं तोरी है लौकी है घिया है सब है तो आपका दिमाग थोड़ा सा ऐसे भस्म नहीं जाता कि मम्मी इतने सारे ऑप्शन क्यों दे दिया हमको है ना तो आपको दो तीन ऑप्शन देते हैं उसमें से चूज करते तो राजा जी के साथ भी यही चीज़ हुई कि इतने सारे उनके पास जवाब आ गए कि वो तो पागल हो गए कि भैया मेरे को इनमें से किसी की सुनने का ही नहीं है तो किसी को इनाम नहीं मिलता है राजा जी उठ के चले जाते हैं किसके पास एक बहुत ही फेमस हरमिट होते हैं बहुत ही फेमस साधु बाबा होते हैं साधु बाबा के पास भाग जाते हैं और कहते हैं कि यार क्या आप मुझे बताओगे इन चीज़ों के जवाब ठीक है लेकिन जो तो साधु बाबा है ना हमारे अब वो कोई ऐसे यामी सीधे साधे नहीं है वो भी तेज टर्रार एकदम मतलब कि एकदम ज्ञान वाले हैं तो वो कहते हैं मतलब राजा जी जो है ना उनके पास जाते हैं एकदम नॉर्मल भेस में मतलब कि एकदम आम सिटीजन आम नागरिक की तरह तो नॉर्मल कपड़े पहने होते हैं घोड़े से उतर जाते हैं पहले ही और बॉडी को भी बहुत पहले ही छोड़ देते हैं और फिर जाते हैं फिर क्या होता है अब साधु बाबा उनको भाव नहीं देते साधु बाबा अपना खुदाई कर रहे हैं वो खुदाई करते रहते हैं हैं तो राजा जी उनसे उनका फावड़ा ले लेते हैं और उनकी खुदाई करते हैं काफ़ी देर करते हैं, करते रहते, करते रहते हैं रहते रहते तंग आ जाते हैं कि यार ये तो जवाब भी नहीं दे रहा है इतने में क्या होता है एक बंदा आता है भागा भागा आता है और आके बेहोश हो जाता है राजा जी के कदमों में तो अब क्या होता है राजा जी उसको उठाते हैं उसको देखते हैं कि उसके पेट में घाव लगा हुआ है खून है और फिर वो उसको सारा साफ करते हैं उसके कपड़े खोल के सब कुछ साफ़ करते हैं उसका खून साफ़ करते हैं दोनों साधु बाबा और वो उठा के उसको अंदर रखते हैं और अंदर रखते हैं फिर उनको पानी पिलाते हैं फिर बंदा सो जाता है और राजा जी भी सो जाते हैं राजा जी जमीन पर ही सो जाते हैं तो अगले दिन जब राजा जी हमारे उठते हैं तो वो कहते हैं कि एक बार और पूछ लेता हूँ कि जवाब देते हैं कि नहीं देते हैं साधु बाबा है ना लेकिन ये जानने से पहले उनको क्या करता है जो बंदा जो आया था ना घाव लेके दाढ़ी वाला इंसान बियर्डेड मैन वो क्या करता है वो बोलता है कि यार मैं तो तुम्हारा दुश्मन था राजा जी तुमने मेरी जिंदगी बचा ली इसके लिए मैं तुम्हारे पर आभारी हूँ और मैं तुम्हारा सेवक बन के रहूँगा तत्पर हूँ तुम्हारी सेवा में मैं और मैं क्या था तुमने मेरे भाई की जमीन ले ली थी तो इसलिए मैं चाहता था कि तुम मैं तुमको मार डालूँ ठीक है क्योंकि राजा जी ने थोड़ा ऐसी मतलब कोई ऑर्डर वॉर्डर दे दिया होगा उसके भाई को मारने का तो फिर हमारे ये जो राजा जी हैं पिघल जाते हैं कहते कोई नहीं कोई नहीं सब बढ़िया है तू मेरा दोस्त बन गया अब और तू मेरा डॉक्टर भी ले ले मेरे नौकर भी ले ले सब तेरा ध्यान रखेंगे फिर राजा जी जाते हैं साधु बाबा के पास कि साधु बाबा अब तो मेरे को जवाब दे दो यार तो साधु बाबा उसको बता दें कि बेटा जवाब तेरे सामने ही थे क्या जवाब थे कि वो सही समय क्या है जब तेरे को शुरू करना चाहिए तो सही समय क्या है सही समय है अब प्रेजेंट है है ना और किसका तेरे को सुनना चाहिए तेरे को सुनना चाहिए उसका जिसके तू साथ है उस वक्त पे उस मोमेंट पे उस टाइम पे तो जिसके साथ है और तीसरी चीज़ क्या सुननी चाहिए तीसरी चीज़ ये सुननी चाहिए कि सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि जिसके भी साथ तुम हो अभी उसका तुम भला करो ठीक है उसका तुम क्या करो भला करो तो देखो यहाँ पर बस इतना सा ही चैप्टर है इसी को हमने अच्छे से पढ़ा था और अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा था बेसिकली बात हमने इसमें मॉरल लेसन ये पढ़ा था कि भैया सबसे जरूरी वर्तमान है वर्तमान में काम करना है वर्तमान में किसी की मदद करनी है और वर्तमान में ही जो सामने वाला बंदा है उसकी बात सुननी है ठीक है चलो तो हमको क्लियर हो गया ये अब जिन लोगों को नहीं पता थी उनको भी स्टोरी पता है तो अब हम क्या करेंगे अब हम चलेंगे थोड़ा सा ग्रामर की तरफ तो हमको अब लेक्चर पता है ऑलरेडी एज इन हमको चैप्टर पता है लेसन पता है है ना तो अब हम क्या करेंगे अब हम ग्रामर करेंगे जैसा कि मैंने बोला था कि बीच में थोड़ी ग्रामर भी करेंगे तो देखो ये क्या है आपकी ही एनसीआरटी के सवाल हैं जो हमने लास्ट क्लास में नहीं किए थे क्या है ये आपकी एनसीआरटी के सवाल हैं जो हमने लास्ट क्लास में नहीं किए थे एक बार फटाफट पट से इनको देख लो और फिर हम इनकी बात करेंगे सवाल जवाब खेलेंगे ठीक है तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ जो भी रूल मैं बताऊंगी उसको लिखना है और उसके अलावा आप लोग भी मेरे को कमेंट्स में रिप्लाई करते रहोगे ठीक है तो देखो करना क्या है इसमें हमको हमको इसमें देखना है कि ये जो हमारे सेंटेंसेस हैं जो हमें नीचे दिए हुए हैं इसमें हमें अप्रीप्रिए अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ब लगानी है बेसिकली हमको क्या करना है हमको इसमें वर्ब फॉर्म्स लगानी है वर्ब फॉर्म्स क्या होता है वर्ब फॉर्म्स होती है क्रिया की जो फॉर्म्स होती हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होता है ना कि प्रेजेंट पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल हमें देखना है कि इसमें टेंस के हिसाब से रूल के हिसाब से कौन कौन से वर्ड्स आएंगे तो हम लोग साथ, साथ जो भी हमको मिलता है टेंस भी करते चलेंगे क्लियर है कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है तो हम लोग टेंसेस कर रहे हैं मतलब कि इंपॉर्टेंट हो गया है और टेंसेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बेटा जल्दी से कॉपी पेन निकाल लो और जो भी मैं रूल बताऊंगी वो लिखते रहना ठीक है बेटा एक्टिव पैसिव का मैं क्लास करा चुकी हूँ आप एक काम करें आप यूट्यूब पे या फिर डाउटनेट की ऐप पर ढूंढें श्वेता मैम का एक्टिव पैसिव ठीक है आप डाउटनेट पे YouTube यूट्यूब जाके सीधा देख सकते हैं कि श्वेता मैम एक्टिव पैसिव उसमें आपको पूरा एक्टिव पैसिव के सात आठ लेक्चर्स मिल जाएंगे जो आपका पूरे तरीके से एक्टिव पैसिव क्लियर कर देंगे अगर आप यूट्यूब पर नहीं ढूंढ सकते हो तो आप लोग कहाँ ढूँढ लो ऐप पर ही ढूँढ लो ऐप पर भी आपको जैसे ऐप आप खोलते हो ना आप लोग तो होम पेज पे आते हो है ना तो पहला पेज आता है उसमें आप चूज करते हो लाइव क्लास लाइव क्लास में जाते हो फिर लाइव क्लास में नीचे आपको ऑप्शंस दिखते हैं ना मा सब्जेक्ट्स के इंग्लिश इंग्लिश ग्रामर मैथ्स बायोलॉजी उसमें आपको इंग्लिश ग्रामर चूज़ करना है इंग्लिश ग्रामर चूज करोगे नीचे आपको जो है लेक्चर्स दिखते जाएंगे उसी में आपको एक्टिव पैसेव दिख जाएगा एक्टिव पासिव पे क्लिक करो और उसमें गो टू चैप्टर पर क्लिक करोगे तो सारे लेक्चर्स दिख जाएंगे ठीक है तो आपको ये जो लेक्चर्स मैंने बनाए अभी कल ही मेरा एक्टिव पैसिव खत्म हुआ है एक बजे वाली क्लास में तो वो पूरा देखना है ठीक है और वो सिक्स तो सबके लिए है तो आप सभी लोग जाकर उसको देख सकते हो कोई भी दिक्कत नहीं है और टेंसेस भी मैंने बेटा कल ही खत्म कराया है तो आप लोग जो है मिस कर रहे हो क्लासेस मतलब सारी क्लासेस फॉलो नहीं कर रहे हो कर रहे होते तो पता चल जाता कि टेंसेस और एक्टिव पैसे मेरा अभी चल रहा था ठीक है जिन बच्चों को टेंस देखना है बोलो क्या करेंगे यूट्यूब पे लिख देंगे डाउट नट श्वेता मैम टेंसेज और वो अगर वो नहीं हो पाएगा तो वही दोबारा से डाउट ग्रामर में जाके टें का लेक्चर आपको मिल जाएगा बेटा ठीक है चलो स्टार्ट करें अब हम लोग जवाब दे दिया है मैंने आपके डाउट्स का कि कहाँ मिलेंगी एक्टिव पैसिव और Tenses की क्लासेस हां जी बेटा लिखना है बच्चे पूछ रहे हैं मैम लिखना है क्या हाँ कॉपी निकालो लिखना और मेरे को फोटो भी भेजनी है कि मैम हमने ये ये लिखा आज की क्लास में ठीक है तो यहाँ पर हम लोग ये टेंसिस के रूल करने वाले हैं ना तो लिखना तो पड़ेगा क्योंकि मैं भी रूल्स लिख के बताऊंगी चलो यहाँ पे लिखा है ही हैज डैश टू हेल्प मी डू यू थिंक ही विल रिमेम्बर हिज डैश तो देखो यहाँ पर क्या है यहाँ पर मेरा ये टेंस लगा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है क्या टेंस लगा हुआ है मेरा प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट का रूल हम लोग इधर लिख लें चलो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का या फिर छोड़ो यहीं पर लिख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो प्रेजेंट परफेक्ट का रूल है मेरा सब्जेक्ट प्लस हैज have प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्या रूल है मेरा रूल लिख लो सब लोग कॉपी में जल्दी से रूल क्या लिख रहे हो रूल लिखना है प्रेजेंट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैज़ है वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ठीक है अच्छा लिख लिया है डन हो गया है ओके बेटा चलो बेटा मैंने टेंथ अभी कल ही ख़त्म कराए हैं रात आठ बजे वाली क्लास में दोबारा बता रही हूँ चलो एक बार सब लोग दोबारा सुन लो कि क्लासेस जो मेरी हैं ग्रामर की जो रोज़ चलती हैं एक तो एक बजे चलती है दिन में और एक चलती है रात को आठ बजे ठीक है तो दिन में एक बजे वाली में कल ही एक्टिव पैसिव खत्म हुआ है और आठ बजे वाली में कल ही खत्म हुए हैं ठीक है चीके? तो आपको क्या करना है यूट्यूब खोलोगे यूट्यूब पे लिखोगे डाउट नट श्वेता मैम टेंसेज टेंसिस का सारा आ जाएगा ठीक है आप यूट्यूब पे सर्च में लिखोगे डाउट नट श्वेता मैम एक्टिव पैसिव तो सारे एक्टिव पैसिव के लेक्चर आ जाएंगे काफी बढ़िया तरीके से काफी इजी तरीके से मैंने फनी तरीके से आप लोगों को सब सिखाया उनमें तो वो लेक्चर जरूर देखने ही देखने हैं वो नहीं देखोगे तो इंग्लिश में पिछड़े रह जाओगे ठीक है और बहुत ही ईजी है कोई मुश्किल नहीं है उनमें सब एक सेकेंड में समझ आ गया है जितने बच्चों ने मेरे साथ देखा है क्लियर है ठीक है चलो अब तो कोई डाउट नहीं है ना इसमें अगर आपको डाउटनेट की एप्लीकेशन पर ये ढूंढने हैं तो कुछ नहीं करना है लाइव क्लास पे क्लिक करोगे लाइव क्लास पे जाके सब्जेक्ट चूज करो इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश ग्रामर में आपको वो सारे दिख जाएंगे ठीक है चलो तो यहाँ पर मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो लगाया है और प्रेजेंट परफेक्ट का रूल भी आपके सामने लिखा हुआ है है ना सब्जेक्ट प्लस हाज हाफ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बेटा टाइम का देखो सेवेंथ की जो क्लास है हमारी वो होती है सात बजे एम सॉरी अभी जो सेवन्थ की क्लास हो रही है ना अभी चार बजे होती है ठीक है एक बजे रोज़ ग्रामर की होती है तो आप एक बजे वाली क्लास तो सारे बच्चे फॉलो करोगे और अपने दोस्तों को भी बताओ सबको बताओ सबकी हेल्प करो और आठ बजे वाली क्लास भी आप लोग फॉलो करो ठीक है चलो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कब आता है बेटा वो तो पूरा डिफरेंट टॉपिक है ना ग्रामर का अभी तो हम लोग टेंसेस कर रहे हैं ठीक है बेटा सेकेंड क्विज भी आएगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलो तो यहाँ पर ये मेरा प्रेजेंट परफेक्ट है है ना अब प्रेजेंट परफेक्ट में ही हैज मेरा वर्ब क्या है यहाँ पर ये देखो ब्रैकेट में मेरे को वर्ब दिया हुआ है मेरा प्रॉमिस, है ना तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाने का है मेरे को थर्ड फॉर्म तो देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया प्रॉमिस ही हैज प्रमिस्ट टू हेल्प मी अब यहाँ पर देखो डू यू थिंक ही विल रिमेंबर हिज तो यहां पर आएगा मेरा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्योंकि यहां पर बस बात हो रही है कि क्या वो अपना प्रॉमिस रिमेम्बर रखेगा ठीक है तो ये मेरा सिर्फ प्रॉमिस आ जाएगा चलो आगे चलते हैं द डैश सेड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम हिज आगे कुछ ठीक है तो यहां पर क्या है अब यहां पर पॉइंट मेरा दोबारा से चेंज हो गया है तो टेंसिस के साथ साथ हम यहाँ पर बहुत कुछ पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या है बेटा ये मैं इरेज कर दू अब हो गया है ठीक है अब यहाँ पे देखो द डैश सेड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वेक चेंजेस समथिंग तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो आपको ये देखना है कि जो दी है हमारा उसके साथ क्या है वो आर्टिकल है है कि नहीं है तो दी क्या है हमारा बच्चे दी है हमारा आर्टिकल और आर्टिकल के साथ हम लोग क्या लगाते हैं हमेशा आर्टिकल के साथ हम लोग लगाते हैं नाउन है ना तो नाउन लगाते हैं तो यहाँ पर दी के साथ नाउन लगाएंगे तो जज क्या है जज नाउन है कि नहीं है संज्ञा है ना जज इंसान होता है तो संज्ञा तो हुई तो हमने यहां पर क्या लगाया जज ठीक है अब हमें जज से कुछ और भी ढूंढना है क्या ढूंढना है हमें जज से कुछ और भी ढूंढना है तो यहां पर देखो हिज लगाया है अब हिज के साथ हमें दोबारा से कोई नाउन ढूंढना है लेकिन यहां पर इस जज तो नहीं आएगा तो यहां पर जो नाउन है हमारा वो आएगा जजमेंट अब देखो जजमेंट की दो स्पेलिंग है एक तो जी ये वाली है जो मैंने लिखी है एक ये वाली है दोनों ही एप्लीकेबल हैं और यहां पर भी हमारा प्रॉमिस आ गया तो यहां पर प्रॉमिस एज हुआ क्योंकि दोनों ये किसके साथ यूज हो रहे हैं प्रोनाउन के साथ यूज हो रहे हैं, हैं। ठीक है तो एक हमारा जज आया और एक आया जजमेंट क्लियर है ये वाला ओके तो हमें बेसिकली बस मीनिंग बनाना है ठीक है आगे देखो क्वेश्चन नंबर थ्री दिया है जिसका वर्ब क्या है डिफर तो हमें इन्होंने सिर्फ वर्ब दिए हैं हमें ये देखना है कि टेंस के हिसाब से कौन सा वर्ब आएगा सो so विच वर्ब फॉर्म टू यूज है ना और फिर हमें ये भी देखना है कि वो नाउन में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा तो नाउन कन्वर्जन भी देखना है कि नाउन में बदलेगा कि नहीं बदलेगा तो ये जो है एक फुल ब्लोन ग्रामर एक्सरसाइज है हमारी ठीक है चलो तो यहाँ पर लिखा है आई डिडेंट नोटिस एनी सीरियस तो ये क्या है मेरा एडजेक्टिव है सीरियस क्या है मेरा एडजेक्टिव है एडजेक्टिव मैं किसके साथ लगाऊंगी नाउन के साथ लगाऊंगी तो डिफर से मेरा नाउन क्या आएगा डिफर से मेरा नाउन बनेगा डिफरेंस तो यहाँ पर देखो डिफरेंस लगा दिया ठीक है तो यहाँ पर लिखा है आई डेंट नोटिस एनी सीरियस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द डिबेटर्स ऑल दो दे डैश फ्रॉम वन अनदर ओवर स्मॉल पॉइंट हालांकि वो एक दूसरे से छोटी छोटी चीज़ों पे जो थोड़े अलग अलग थे है ना तो यहाँ पर आ गया वर्ब का थर्ड फॉर्म डिफर्ड तो एक जगह हम लगा रहे हैं नाउन और एक जगह हम लगा रहे हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म याद रखना ठीक है चलो आगे चलते हैं

हाँ ठीक है सही बता रहे हो बेटा मतलब सबको समझ आ रहा है ना तो अब टू के साथ मेरा क्या आ जाएगा टू आंसर रूल लिख लिया सबने कॉपी में रूल क्या है टू प्लस वी वन सो इट इज़ अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू आंसर बट विल यू एक्सेप्ट माई आंसर एज फाइनल तो यहाँ पर माए के साथ प्रोनाउन के साथ दोबारा से क्या लगेगा नाउन तो so, मेरा क्या मेरा जवाब तो आंसर यहाँ पर दोबारा से हो रहा है, ठीक है ओके okay, चलो नेक्स्ट कह रहा है कि हमें नेसेसरी के साथ यूज करना है नेसेसरी मतलब क्या होता है बच्चे नेसेसरी मतलब होता है जरूरी कोई चीज जब बहुत जरूरी हो जाती है ना तो वो नेसेसरी हो जाती है ठीक है तो यहाँ पर लिखा है इट इज डैश दैट डैश शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन अरे वाह ये तो मतलब रट लो ये वाला ये वाला लाइन तो क्या कह रहे हैं इट इज इंट तो यहाँ पर जो नेसेसरी है वो इन्होंने लगा दिया वर्ड ठीक है दैट नेसेसिटी अब उसको क्या बना दिया नाउन बना दिया तो नेसेसिटी क्या है नाउन है नेसेसिटी का मतलब क्या होता है जरूरत तो ऐसा नहीं है कि भैया जी जरूरत की वजह से ही कोई चीज हमको मिलानी पड़े राइट कोई चीज हम लाएं अलग से क्लियर है सबको तो यहाँ पर क्या किया है देखो यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना यहाँ पर एडजेक्टिव से बनाया है नाउन नेसेसरी क्या है एडजेक्टिव है माने की विशेषण है तो बेसिकली ये पार्ट ऑफ स्पीच का भी एक तरीके से चल रहा है हमारा लेक्चर ठीक है तो नेसेसिटी से उन्होंने नाउन बनाया नेसेसिटी दोनों का मतलब क्या होता है जरूरी एंड जरूरत ठीक है चलो क्लियर है ये चीज कि वो कह रहे हैं कि इट इज इंट नेरी क्या नेसेसरी नहीं है दैट नेसेसिटी शुड बी द मदर ऑफ इन्वेंशन दी जो नेसेसिटी है जो जरूरत है वो माँ बन जाए किसकी आविष्कार की चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट कहता है ऑप्शन आई एम सॉरी क्वेश्चन फिफ्थ हर्मिट्स आर डैश मैन हाउ दे एक्वायर देयर डैश नो वन कैन टेल ओहो ये तो वाइज वर्ड के साथ हमें बनाना है तो हर्मिट्स क्या है कुछ आदमी है तो आदमी क्या है मैन क्या है नाउन है है ना तो अगर ये नाउन है तो हमें क्या लगाना है नाउन के साथ हम क्या लगाते हैं बच्चे नाउन के साथ हम लगाते हैं एडजेक्टिव, ताकि वो नाउन की क्वालिटीज बताएं उनको डिफाइन करे तो एडजेक्टिव क्या है वाइज एडजेक्टिव है तो वाइज आ गया हरमिट्स आर वाइज मैन हाउ दे एक्वायर देयर अब वो अपना कुछ अक्वायर कर रहे हैं तो अपना क्या अक्वायर करेंगे संज्ञा आएगी अब यहाँ पर नाउन आएगा कुछ एक्वायर कर रहे हैं मतलब कोई चीज चीज कर रहे हैं क्या होती है संज्ञा तो हमें संज्ञा बनानी है वाइस से तो वो क्या होती है विजडम तो यहाँ पर क्या आ गया विजडम आ गया ठीक है ये देखो चलो आगे चलते हैं द कमिटी हैज डैश अब देखो यहाँ पर ध्यान देना दोबारा से प्रेजेंट परफेक्ट लग रहा है क्या लग रहा है दोबारा से प्रेजेंट परफेक्ट तो प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या था लिखा हुआ था मैंने सब्जेक्ट प्लस हैज हैव तो हैज लग गया तो हैज के बाद क्या आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है ना तो द कमिटी हैज वर्ब का थर्ड फॉर्म चेपना है मुझे टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम द डैश इज लाइक टू प्लेजर Please everyone, decide. मेरी वर्ब क्या वर्ब. तो has, third form क्या क्या इन्होंने तो है Decided है. है आ गया. दोबारा दी, दी से आर्टिकल आर्टिकल किसके साथ आता है इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन के साथ तो यहाँ क्या आ जाएगा यहाँ आ जाएगा डिसीजन डिसाइड का नाउन क्या बनाओगे डिसीजन बना दोगे हो गया सिंपल As as माफ़ी मांगना भी उतना ही अच्छा है जितना माफी देना अच्छा है तो माफी फॉर किसी भी चीज के लिए मांगना तो चीज आ गई चीज मारी नाउन फॉरगिव तो वर्ब है तो उसका नाउन क्या होगा फॉर तो आस्किंग for तो यहाँ पर टू लग गया था एंड में तो टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया बस बन गया हो गया जी इजी लगा ज्यादा मुश्किल तो नहीं लगा दिमाग तो नहीं खुल के बाहर आ गया ठीक है हाँ क्या बात है ये बहुत बढ़िया है बच्चे जवाब दे रहे हो तुम लोग तो अरे वाह कमाल हो गया, हाँ यस 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 सही पकड़ा सही पकड़े एकदम बेटा ग्रामर की क्लास होती है एक बजे और आठ बजे दोबारा बता रही हूँ तो ये ग्रामर ही है देख लो ज़्यादा मुश्किल नहीं है बस हमने वर्ब को नाउन में डाला एडजेक्टिव को नाउन में डाला दो रूल सीखे अलग से क्या सीखे टू प्लस वी वन ठीक है और क्या सीखा प्रेजेंट परफेक्ट का रूल सीख लिया हमने ठीक है तो यहाँ पे विच वर्ब फॉर्म या फिर एडजेक्टिव ये पढ़ लिया हमने चलो अब आगे चले दिमाग तो खुल के बाहर नहीं आ गया ना शांति है सांस ले लो एक लंबी ठीक है ले ली चलो अब कर दो अपनी कॉपी दो सेकंड के लिए बस सिर्फ दो सेकंड के लिए बंद पेन छोड़ दो हाथ से दिमाग शांत करो क्योंकि अब हम करने वाले हैं वर्ड मीनिंग्स देखो वर्ड मीनिंग्स को ज्यादा नहीं मैंने बोला था तीन इधर दिख रहे हैं तीन इसके बाद है दो उसके बाद है आठ हो गए और नौ दस बस बस दस वर्ड्स हैं और इनमें से सारे तो मैं आपको स्टोरी में बता चुकी हूँ तो कोई पॉइंट ही नहीं है कि आप इसमें टेंशन लो बस आपकी वोकेबलरी सुधारने की थोड़ी मैंने सोची है इधर तो ये वाले जो वर्ड्स है बेटा आपको यूज़ भी करने हैं ऐसा नहीं है कि मैं अभी पढ़ाऊंगी और आप मस्त भूल के पेट मार के सो जाओ ऐसा नहीं है पढ़ने भी हैं और यूज भी करने हैं और मुझे कमेंट्स में इनसे बनाए हुए सेंटेंसेस भी लिख कर देने हैं ठीक है ठीके? ताकि मजा आए हमें क्लास में तो चलो सबसे पहला वर्ड है अनफासन अनफासन टी साइलेंट है क्या है टी साइलेंट है सो so, अन का मतलब क्या होता है अनफासन का मतलब होता है कि आपने देखो पहली बात तो हिंदी में लिख के बता देती हूँ फासन जो है इसका मतलब होता है टाइट करना ठीक है किसी भी चीज को टाइट करना जैसे कि आपने ड्रेस को टाइट कर दिया जिप एक तो जिप करना होता है ड्रेस को है ना और एक शायद बटन बांधना और वो सब होता है तो बटन बांधने को आप फासन कह सकते हो कि भैया जी टाइट कर रहे हो बटन ही तो बांधोगे ना तो फासन हो गया जोड़ रहे हो उसको तो अगर अनफासन कर रहे हो अन क्या है यहां पर नेगेटिव प्रीफिक्स है सिंपल सी बात है अनफासन कर रहे हो उल्टा हो गया मतलब कि ढीला कर रहे हो हटा रहे हो ठीक है काफी इसी तरीके से मैंने आपको बता दिया कुछ इधर उधर की फालतू की बात नहीं करी सीधी सी बात बता दी कि भैया देखो फासन करना मतलब होता है एकदम टाइट से कर देना ठीक है आप अपनी छोटी बहन की ड्रेस से ऊपर पूरी बांध देते होंगे ना या फिर आप वो कभी कभार आपका पूरा गला यहाँ तक बांध देती होगी बटनों से शर्ट पहनाती होगी या फिर आपकी मम्मी भी ऐसे करती होंगी है ना चोटियाँ भी ऐसे लाइक टाइट करनी पड़ती हैं तो वो सब क्या है फासन करना है ठीक है चोटियाँ हटा देना बाकी सब फासन करना है ड्रेस से रिलेटेड तो अगर ये सब टाइट करना है तो फिर ढीला करना क्या कहेंगे ढीला करना होता है अनफासन करना सिंपल तो आप अगर अनफासन करते हो तो आप उसको एक तरीके से ढीला कर रहे हो लेकिन ढीला मतलब ये नहीं कि लूज कर रहे हो उसका मतलब उसको खोल ही रहे हो वो चीज़ बटन खोल दोगे अनफासन हो जाएगा तो खुल जाएगा ना तो इसका मतलब क्या आया फिर कि हम उसको खोल रहे हैं वहां पर अनफासन लिखा हुआ है तो उसी के आगे हम लिख देते हैं ठीक है यहां पे लिखा है बिकम अंडन और अनटाइड अनटाइड मतलब बांधा नहीं खोल दिया तो खोलना सिंपल अनफासन मतलब खोलना आप लोग ड्रेस अनफासन कर सकते हो गेट डोर ये सब भी अनफासन कर सकते हो ठीक है बेसिकली जहाँ से आपको कुंडी हटानी हो या कुछ बटन खोलने हो वो अनफासन हो सकता है चलो ये हो गया देखो सेंटेंस क्या लिखा है द किंग एंड द हर्मिट अनफासन द मैंस क्लोदिंग इसका मतलब क्या है कि हमारा जो राजा जी हैं और राजा जी के साथ जो साधु बाबा थे उन्होंने क्या किया जो दाढ़ी वाला बंदा था उसके कपड़े खोल दिए है ना ठीक है हाँ जी बच्चे कॉपी पर लिखो तभी याद होगा अपने हाथों से अपनी कॉपी पर लिखो तभी याद होगा और जो बच्चे लिख रहे हैं फोटो जरूर भेज देना ताकि मैं चेक सक, चेक कर सकूं उसके बाद हमारा वर्ड है ना मतलब कि आप चिल्ला रहे हो एक तरीके से लेकिन ऐसे आ करके पूरा नहीं चिल्ला रहे हो तो आप लोग बस दर्द में चिल्ला रहे हो है ना दर्द में वो जो आपकी आहें निकलना कहते हैं ना तो वो होता है मोन करना ठीक है कि अगर आपको चोट लग गई तो आप जो सिसक, सिसक के आह आह कर रहे होते हो तो दैट इज मोनिंग ठीक है तो इंडिकेट पेन डिसकंफर्ट और मतलब क्या है भाई चोट से दर्द से आप जो है थोड़ा मोन कर रहे हो थोड़ा चिल्ला रहे हो आवाजें निकाल रहे हो तो यहाँ पर क्या है वेन ही रीच द किंग ही फेल फेंटिंग ऑन द ग्राउंड मोनिंग फीबली तो यहाँ पर देखो फीबली जो है वर्ड आया है फीबल यहां से फीबल एडजेक्टिव से और इसका मतलब क्या है कमजोर पड़ना तो बेसिकली जब आप बीमार हो जाते हो है ना जब हम लोग बीमार हो जाते हैं तो तब हम कमजोर पड़ जाते हैं तो हमारी बॉडी कैसी हो जाती है फीबल बॉडी बिकम्स फीबल ओके चिले चलो और मोनिंग क्या हुआ जब आप ऑब्वियसली फीवर फीवर में हो दर्द में हो तो आप मोन कर रहे हो सो यू मोन ऑल्सो और फेंट मतलब फेंट मतलब मैंने कल भी बताया मतलब लास्ट लास्ट क्लास में भी बताया था फेंट मतलब क्या होता है बेहोश हो जाना ठीक है क्या होता है बेहोश हो जाना चलो फीबल देखो यही गया फीबल तो मिली गया हमें समझ आ गया फीबल क्या है कमजोर पड़ना चलो वर्शिप मतलब वर्शिप मतलब आप लोगों को पता होगा पूजा करना पूजा करना ये पूजा लड़की का नाम नहीं है यहाँ पे मजाक नहीं चाहिए मेरे को वो स्कूल क्लास वाला जो तुम करते हो नहीं पूजा मतलब भगवान की पूजा करना ठीक है पूजा अर्चना करना तो वर्शिप का मतलब ऐसा कुछ नहीं है ज्यादा मेहनत नहीं करनी है समझने के लिए जो आप मम्मी आपकी रोज पूजा कर रही होती है शी इज वर्शिपिंग द गॉड वर्शिपिंग द लॉर्ड दैट्स इट ठीक है हरमिट होते हैं मेरे साधु बाबा ये तो मैंने बता ही दिया है ये तो मैंने बोल बोल कर ही आप लोगों को इतना सिखा दिया होगा कान में डाल दिया होगा ना तो हरमिट कौन है मेरे साधु बाबा हैं ओके okay. कि भैया जी ये जो है समाज से इन्होंने अलग चले गए हैं समाज से क्योंकि इनको पूजा अर्चना करनी है फोक मतलब बस होते हैं लोग सिंपल फोक मतलब होते हैं लोग चलो आगे चलते हैं डिसमाउंट का मतलब होता है उतरना डिस्माउंट का मतलब होता है उतरना जनरली आप ये किसके साथ यूज करते हो घोड़ों के साथ तो जब इंसान घोड़े से उतरता है तब आप डिस यूज करते हो लाइक यू डिसमाउंट अ हॉर्स और यू माउंट अ हॉर्स ठीक है तो डिस्माउंट का मतलब उतरना और माउंट मतलब चढ़ना घोड़े पर मतलब ज़रूरी नहीं है घोड़े के साथ ही यूज़ करो लेकिन जनरली घोड़े के साथ ही यूज़ होता है ठीक है अलाइट का मतलब भी वही होता है उतरना स्पेड मतलब मैं बता चुकी हूँ बच्चे स्पेड मतलब होता है फावड़ा दिखने में ऐसा सा होता है हाँ मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है मुझे पता है तो मैं ट्राई करती हूँ दोबारा बनाने का जिससे खुदाई करते हैं ना बहुत लोगों ने देखा भी होगा पकड़ा भी होगा बस इससे ज्यादा अच्छा नहीं बना सकती मैं सॉरी तो ये क्या है फावड़ा है ठीक है तो ये क्या है इसको शावल भी कहते हैं और स्पेड भी कहते हैं क्या कहते हैं इसको शावल भी कहते हैं और स्पेड भी कहते हैं चेरिशिंग का क्या मीनिंग है बेटा चेरिष करते हो ना आप किसी भी चीज को इफ यू चेरिष समथिंग एक बच्चे ने मेरे से अभी पूछा है कि चेरिश का मतलब क्या होता है उसने बस चेरिश वर्ड के आगे मेरे को आई एन जी लगा कर दे दिया है क्या लगा कर दे दिया है आई एन जी लगा कर दे दिया है लेकिन वर्ब तो सेम ही रहेगा ना मेरा है ना तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो ही रहेगा ये अब चेरिश का मतलब क्या होता है किसी भी चीज को आप चेरिश करते हो ना तो आप उसका बहुत ध्यान रखते हो या फिर उसको अपने दिमाग में रखते हो है ना सो so, या तो आप उसका ध्यान रख रहे हो समबडी so, या फिर आप किसी को अपने थॉट्स में रख रहे हो किसी को अपने दिमाग में रख रहे हो मतलब आर चेरिशिंग समबडी तो आप उनके बारे में सोचते रहते हो उनको बहुत प्यार करते हो आप कोई एक मेमोरी को चेरिश करते हो तो आप उस मेमोरी को बार बार सोचते हो बार बार रिविजिट करते हो ठीक है तो ये होता है चेरिश करना ठीक है सो टू टू कीप समथिंग इन योर थॉट ठीक है, टू कीप समथिंग इन योर था चलेगा और आप उसके बारे में सोचते रहते हो क्लियर हो गया जिसने पूछा था Folk का मीनिंग लोग होता है जी हाँ, ओके okay. चलो बेटा चेरिश वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है स्पेड तो नाउन है ठीक है और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जो बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम ये कौन सा फॉर्म है वो ये वाले हैं ठीक है थीके? अच्छा चेरिशिंग समझ नहीं आया तो बेटा चेरिश मतलब चलो एक एग्जाम्पल देती हूँ उससे समझ आएगा क्या है जैसे सोचो आ, कोई आदमी मर गया ठीक है कोई आदमी मर गया और हमारे दिल में हमारे दिमाग में उस आदमी की मेमरीज हैं तो हम उस मेमोरी को याद करते रहेंगे उसका ख्याल रखेंगे राइट और बार बार शायद कभी बात करते रहें उस बंदे के बारे में तो हम क्या बोलेंगे वी चेरिश हिम तो हम उसके बारे में सोचते रहते हैं उसको प्यार करते हैं उसका ख्याल रखते हैं एंड चेरिश हिज मेमरीज तो हम क्या करते हैं उसकी मेमोरीज का भी ख्याल रखते हैं हम उसकी मेमोरीज पर वापस जाते हैं उसकी यादों में खोए रहते हैं उसकी यादों को प्यार करते हैं ठीक है तो ये जनरली आप वर्ड सुनोगे जैसे किसी की मृत्यु हो गई है तो आप उसी के साथ हैड टुगेदर ऑलवेज चेरिश द मूमेंट्स मतलब जो भी हमने पल साथ में बिताए हैं उनको भी मैं बहुत ही दिल के करीब रखूंगी दिल के पास रखूंगी हमेशा उनके पास वापस जाती रहूंगी ठीक है आप समझ आ गया है अब क्लियर हो गया है और कोई सवाल है तो बेटा पूछ लो जल्दी से फिर हम लोग क्विज की तरफ बढ़ेंगे ठीक है ओके पर समझ आ गया आप लोगों को बहुत मजा आया बेटा माई ब्रदर चेरिश तो ठीक है लेकिन चेरिशेज हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि वर्ब में जब आप सिंपल प्रेजेंट लगाते हो तो एस और ई आ जाता है अरे वाह क्या बात है एक बच्चे ने मुझे अपने नोट्स की फोटो भेजी है बहुत ही बढ़िया बात है ये तो आ, एंजल सोनकर बहुत ही बढ़िया बहुत प्यारा लिखा है बच्चे सभी लोगों को ऐसे ही लिखना है ऐसे ही नोट्स बनाने हैं ताकि आप लोग क्लास में पढ़ाई करो और अच्छे से करो एक और बच्चे ने लिख के भेजा है बहुत ही बढ़िया वैष्णवी गुड रेली गुड रेली गुड गाइज इट्स ग्रेट दैट यू आर फॉलोइंग द क्लास मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है सीख रहे हो ना बहुत कुछ तो आज हमने ग्रामर भी सीखी हमने थोड़े वर्ड्स भी सीखे और साथ में मिला के हम लोगों ने मस्ती भी कर लिया है चलो रेडियो से हम लोग अब क्विज के लिए चलो क्विज़ क्विज खेलते हैं नेक्स्ट क्विज़ आ रही है अब आप लोगों के सामने अच्छा सॉरी सॉरी दो वर्ड रह गए बस ठीक है तो ये दो वर्ड भी कर लेते हैं थ्रेश होल्ड एंड रिवाइव तो थ्रेश होल्ड का मतलब क्या होता है थ्रेश होल्ड होता है बेटा जैसे ये मेरा गेट है घर ये मैं घर में रहती हूँ है ना और ये मेरा गेट बना हुआ है घर में आगे तो मेरा ये जो गेट है इसका एक अगर ये गेट है और यहाँ पर मैं खड़ी हूँ बेटा मैंने बता दिया मेरी ड्राइंग ना बहुत ही भयंकर है देखना मत ढंग से ठीक है तो यहाँ पर मैं अगर ये गेट बनाती हूँ तो भाई गेट का नीचे कुछ होता है ना मतलब जिसको मुझे पार करके जाना होता है जिसको मुझे लांगना होता है है ना तो ये जो होता है इसको कहते हैं थ्रेश होल्ड इसको क्या कहते हैं इसी को कहते हैं थ्रेश होल्ड जिसको लांग कर आप लोग बाहर जाते हो चलो ये क्लियर हो गया तो अगर कोई अपने घर के थ्रेश होल्ड पे खड़ा है तो वो अपने गेट के बिल्कुल यहां पास में खड़ा है ठीक है और अगर आप किसी भी चीज के थ्रेश होल्ड तक आ जाते हो तो उसका मतलब है कि आप उस चीज के ना एंड पॉइंट तक पहुंच गए हो और आपको बस से बाहर जाने का लांग कर उसको बाहर जाना है तो एक तरीके से थ्रेश होल्ड क्या हो गई बाउंड्री भी हो गई एक तरीके से थ्रेश होल्ड क्या हो गई बाउंड्री भी हो गई देखो यहाँ पे क्या लिखा है द डोर जो कि यही होता है ठीक है तो थ्रेश होल्ड क्या होता है थ्रेश होल्ड का मतलब होता है कि मेरे जो गेट है जो मेरा डोर है उसका बाउंड्री ठीक है और उसको मुझे लाग कर बाहर जाना है तो ये तो इसका लिटरल मीनिंग है ये लिटरल मीनिंग है फिगरेटिव माने मैं इसको और बहुत जगह यूज कर सकती हूँ जैसे कि आम,

ट हैज रीच्ड इट्स थ्रेस होल्ड बेटा लिखते रहना साथ साथ द डिक्लाइन इन द इकोनॉमिक आउटपुट हैज रीच्ड इट्स थ्रेश होल्ड तो उसका मतलब क्या है कि ये जो हमारी इकोनॉमी ये जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है उसमें जो चीजें बन रही है वो इतना नीचे गिर चुकी है ना बन बन के मतलब कि अब वो बनी नहीं रही है तो भाई आर्थिक व्यवस्था तो खत्म होती जा रही है तो जो खत्म खत्म होती जा रही है वो होते होते कहाँ पहुंच गई है ऐसे ही डोर पर पहुंच गई है थ्रेश होल्ड पर अब वो इससे नीचे जाएगी तो खत्म ही हो जाएगी क्योंकि तो लांग जाएगी ना फिर वो तो यहां पर ये मीनिंग आता है ठीक है ये भी एक मीनिंग है चलो रिवाइव का मतलब होता है वापस से जगा देना क्या मतलब होता है वापस से जगा देना रिवाइव का मतलब तो वापस से जगा देना मतलब कि सोचो आप बेहोश हो गए आप क्या हो गए बेहोश हो गए अब बेहोश हो गए तो आपको वापस से जगाएगा भी तो ना कोई आपके मुंह पे छीटे मार के पानी मार के तो वो क्या हो गया वो हो गया बच्चे आपको रिवाइव करना ठीक तो मतलब है होश होशो हवाज अगर आप कॉन्शियस हो तो आप होश हवाज या होश में हो ठीक है अगर आप अनकॉन्शियस हो तो आप होश में नहीं हो अगर आप कॉन्शियसनेस है आपके पास तो भी आप होश में हो बात सेम ही है ठीक है तो बस सीधी सी बात है रिवाइव करना मतलब वापस से आपको होश में लाना हो गया क्लियर रिवाइव करना मतलब वापस से होश में लाना चलो रेडी हो जाओ को इसके लिए आप सब लोग हो गए हैं हमारे सारे वर्ड्स हो गए हैं सब कुछ हो गया है आई थिंक आप लोगों ने सारे वर्ड्स लिख भी लिए होंगे ठीक है ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर वन वट इज़ द मीनिंग ऑफ फेथफुल अब देखो फेथफुल मैंने आप लोगों को आज बताया नहीं लेकिन इससे पहले वाली क्लासेस में फेथफुल मैंने बहुत ज़्यादा बताया था कि फेथफुल क्या होता है क्या नहीं होता है तो आप लोग क्या करोगे आप लोग जल्दी से जो है आंसर डिस्कस कर लोगे चलो हो गया है जवाब चलो आगे चलते हैं अगला सवाल कहता है मीनिंग ऑफ फेंटेड ये भी मैंने अभी बताया था बातों बातों में कि फेंटेड का मतलब क्या होता है तो फेंटेड का मतलब क्या होता है फेंटेड का मतलब होता है बेहोश हो जाना है ना तो बताओ जी इसमें से क्या जवाब है लॉस्ट लाइफ जिंदगी ख़त्म खत्म हो गई सब कुछ खत्म हो गया पैसे खत्म हो गए या होश आवाज खत्म हो गए क्या है जवाब क्या है इन सब में से बहुत इजी है दन है रेडी हो चलो अब क्या करते हैं हम लोग आंसर कर लेते हैं तो देखो जो हमारा ये वाला शब्द है फेथफुल इसका मतलब क्या होता है कि आप जो है बहुत लॉयल हो लॉयल मतलब सच्चे दिल के हो जिसके साथ हो उसी के साथ हो यहाँ पर ट्रू है ठीक है फ्रेंडशिप भी चेंज नहीं करते हो तो जवाब क्या हुआ ऑप्शन चॉइस डी ऑल ऑफ दी हो गया इसके बाद क्या आता है फेंटेड तो इसका मतलब क्या है कि आप ऑब्वियसली बेहोश हो गए हो तो जवाब क्या हुआ ऑप्शन चॉइस बी हो गया ठीक है चलो अब हम लोग क्या करते हैं जल्दी से टाइम टेबल देख लेते हैं चार बजे आपकी इंग्लिश की क्लास है मंडे वेंसडे फ्राइडे चार बजे ही आपकी साइंस की क्लास है लेकिन ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे है और पांच बजे जब आपकी मैथ्स क्लास है जो आपने मुझे बोल दिया कमेंट्स में कि मैम जल्दी जल्दी खत्म कर दो हमें मैथ्स की क्लास भी देखनी है ठीक है चलो मैथ्स की क्लास देख लो आप लोग बाय बाय टाटा और आज क्या है वेंसडे है तो हम लोग अब मिलेंगे फ्राइडे को मिलेंगे बाय सी यू एट फोर ओ क्लॉक ऑन फ्राइडे टाटा